नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का टॉपिक शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, नोट्स कैसे बनाएं। दोस्तों, नोट्स क्या होते हैं और नोट्स से क्या हो सकता है, इसके लिए छोटी सी एक कहानी। किसान ज्यादातर खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी की जरूरत से जद्दोजहद करते हैं। मोस्टली जो फार्मर्स हैं, इंडियन फार्मर्स, वो ऊपर आसमान की ओर देखते रहते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं। जब कई साल तक सूखा पड़ता था पहले, लोगों की फसलें इससे प्रभावित होती थीं, तो उस समय के राजा महाराजा ने क्या किया, पॉन्ड बनाए, छोटे छोटे वाटर टैंक बनाए और बारिश के पानी को स्टोर किया गया। ठीक है, इस स्टोर वाटर से खेती हुई और किसानों की जिंदगी बदल गई। बाद में बड़ी बड़ी नहरें बनाई गईं, ठीक है, जो नदियों से जोड़ी गईं और पानी की सप्लाई अधिक मात्रा में और ज्यादा समय के लिए लोगों को मिली। है ना इंटरेस्टिंग बात। आइए इसे क्लास में लेकर आते हैं, अपने सब्जेक्ट के साथ और एजुकेशन के साथ। ये छोटे छोटे जो पॉन्ड हैं या टैंक है ना, ये आपके नोट्स हैं। और जो ये नहरें हैं ना, ये तरह तरह के चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, एजुकेशनल चैनल हैं, जो आपको तरह तरह की सुविधा देते हैं आपकी एजुकेशनल जर्नी को खूबसूरत और कामयाब बनाने के लिए। अब क्वेश्चन फिर वहीं आया, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, नोट्स कैसे तैयार करें। दोस्तों, कोई जादू नहीं है, इंद्रजाल नहीं है और आबरा-कडाबरा नहीं। मैं वही बताऊंगा जो मैं किया करता था, शायद आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। जब आप पढ़ें तो कोई कहानी है या प्रोज का लेसन है या कोई पोएम है, क्लास में टीचर के द्वारा या किसी और जरिए से, तो उस टाइम जिस कहानी को आप पढ़ रहे हैं उसमें जो कुछ समझ रहे हैं उसमें से इंफॉर्मेशन नोट करिए। फॉर इंस्टेंस, राइटर का नाम नोट कर लिया, राइटर किस पीरियड में उसने राइटिंग किया नोट कर लिया, और उनका लिटरेरी वर्क, कौन कौन सी बुक्स लिखी ये नोट कर लिया। फिर कहानी की थीम क्या है, कि कहानी की जो विषय वस्तु है आखिर वो क्या है। जैसे एक एग्जांपल शायद आपको समझ में आए, गदर फिल्म बड़ी मशहूर हुई, सबने देखी, आपने भी शायद नाम सुना होगा। तो डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक कहानी सुनाई, तारा सिंह और सकीना की प्यार की कहानी, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या थी, 1947 का विभाजन, पार्टीशन। तो ये इसकी बैकग्राउंड हो गई, थीम हो गई। इस तरीके से हम उस कहानी की थीम पर ध्यान देंगे, ठीक है। फिर कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट नोट करें, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उस कहानी में या पोएम में, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उस कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है, उनके वर्क आप नोट कर लें, वो इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जैसे डेट्स, ईयर, ये ज़रूर नोट करिए, बहुत काम आते हैं साथियों। और जो कैरेक्टर्स हैं उनके आपस में रिलेशन क्या है, ये भी कई बार काम आते हैं, कौन किसका भतीजा है और कौन किसका फूफा है और कौन किसका जीजा है। ये सब चीज़ें इस तरह से अगर हम नोट करके रखेंगे तो वैसे ही टैंक की तरह या पॉन्ड की तरह काम करेंगे, जैसे किसान की फसल के लिए पानी जो वो तालाब से लेता था या फिर नहरों से लेता था। सो फ्रेंड्स, एक बात तो कभी भूलिएगा मत, कामयाबी का रास्ता कभी छोटा तो नहीं हो सकता। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, लॉट्स ऑफ लव, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।